पर्व। माय टुडेज टॉपिक इज समास एवं उसके प्रकार। मेरे पहले वीडियो में आपने देखा, मैंने समास के बारे में आपको बताया था और उसके प्रकारों को किस तरह से आप आसान ट्रिक अब तक दादा से याद कर सकते हैं, मैंने वो आपको बताया। अब सबसे पहले जानते हैं समास क्या है। दो शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं, अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं तो इसमें दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। अब उसी के हिसाब से जो इनके प्रकार हैं हम उनको जानेंगे। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अब किस शब्द में ये समास है, इसे कैसे पहचानेंगे हम आज समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो शब्द मिलते हैं अर्थात पहला पद और दूसरा पद, तो उसके आधार पर हम पहचानेंगे। तो अव्ययी भाव में क्या होता है, जिसका पहला पद प्रधान हो, जिस किसी शब्द का पहला पद प्रधान हो, इसके साथ इसे जानने की एक और आसान ट्रिक है कि प्रधान के साथ साथ वह उपसर्ग हो। उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हो, प्रधान के साथ अगर वह पहला पद उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण से समझाऊंगी। इसके अलावा मैं एक आसान ट्रिक बताती हूँ कि जब भी किसी शब्द के शुरुआत में यथा आ, स, प्रति ये शब्द आए तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि ये सारे उपसर्ग होते हैं। जैसे कि बताया पहला पद प्रधान एवं उपसर्ग हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण से समझेंगे। प्रति दिन, यहां पर इसका विच्छेद करने पर प्रति प्लस दिन। अब आपने देखा पहला पद प्रधान है और पहला पद उपसर्ग है, यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। और एग्जांपल ले लेते हैं, आ, आ जीवन। अब यहाँ पर आप देखेंगे आ शब्द आया है, आ और जीवन मिलकर उपसर्ग। अब हम लेंगे यथा, संभव। यहां भी आपने देखा दो शब्द यथा व संभव मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, यथा संभव। पहला पद उपसर्ग है और प्रधान है, तो कौन सा भाव हुआ, अव्ययी भाव समास। अब दूसरा समास लेते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान के लिए, तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो शब्दों से मिलकर शब्द बनता है, पहला पद व दूसरा पद, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसके साथ ही इसकी एक और पहचान है, आपने कारक चिन्ह तो आपको पता होंगे, कारक से, के लिए, कर्ता ने, कर्म से, तो वो जो कारक चिन्ह है उनका अगर बीच में लोप हो, कारक चिन्ह का लोप होने पर उसमें तत्पुरुष समास होता है। अगर जो शब्द है उसका हम विच्छेद करेंगे तो बीच में अगर कारक चिन्ह ने, से, के लिए ये सब शब्द आते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण में राज पुत्र, यहां पर किसकी बात की गई है, पुत्र की, किसका पुत्र, राजा का, अर्थात दूसरा पद प्रधान है, तो उसका जब विच्छेद करेंगे हम, राजा का पुत्र। यहां पर देखिए आप कारक चिन्ह आया है का। एक और उदाहरण लेंगे, यज्ञ शाला। अब यहाँ भी किसकी बात की गई है, शाला, किस चीज की शाला है, यज्ञ करने की। जब इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा यज्ञ
की शाला, यज्ञ के लिए शाला। अर्थात आपने देखा कि बीच में ने से के लिए शब्द आते हैं, कारक चिन्ह जहाँ पर बीच में जिसका लोप हो और विच्छेद करने पर कारक चिन्ह आए वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब लेते हैं तीसरा समास, कर्म धारय समास। कर्मधारय समास की पहचान ये है कि इसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता दिखाता है। इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता दिखाता है, विशेषता दिखाता है। इसके साथ इसे याद करने की एक और आसान ट्रिक है, अगर किसी भी शब्द का विच्छेद करने पर है जो या फिर के समान, अगर विच्छेद करने पर ये शब्द आते हैं तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण, चरण कमल, चरण कमल, जब इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा कमल के समान चरण। यहां पर आपने देखा विच्छेद करने पर के समान आया, जब के समान यह जो या ये आता है तो कर्मधारय समास होता है। एक और ले लेते हैं, महापुरुष, जब इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा महान है जो पुरुष, यहाँ पे है जो मैंने बताया है जो या के समान जब विच्छेद करने पर आता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब है चौथा समास, द्विगु समास। द्विगु समास इसकी पहचान तो बहुत ही आसान है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है, एक दो तीन चार जो संख्याएं होती है अगर इसके पहले पद में आए तो वहां पर द्विगु समास होता है। पहला पद संख्यावाचक होता है। जहां पहला पद संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास होता है। अब उदाहरण से समझ लेते हैं, तिरंगा, जब इसका विच्छेद करेंगे तो आएगा तीन रंगों का, तीन रंगों का समूह। यहां आपने देखा संख्यावाचक शब्द आया है तीन विच्छेद करने पर। और लेंगे शब्द चौराहा, चार रास्ते जहां पर हो, यहां पर भी आपने देखा संख्यावाचक शब्द आया है। अर्थात जहां भी संख्यावाचक शब्द पहले पद में आए वहां पर द्विगु समास होता है। पांचवा समास है द्वंद्व समास। द्वंद समास की पहचान तो और भी आसान है, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। इसे पहचानने की एक और आसान ट्रिक है, आपने विलोम शब्द तो सुने होंगे, तो पहला पद दूसरे का विलोम होता है। पहला पद दूसरे पद से उल्टा हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, तथा इसका विग्रह करने पर यदि बीच में या अथवा और आता है तो द्वंद्व समास होता है।
इसके उदाहरण समझते हैं। पाप पुण्य, यहाँ आपने देखा पाप का उल्टा पुण्य, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा पाप और पुण्य। एक और समझाती हूँ, गुण दोष, गुण का उल्टा दोष, और विग्रह करने पर गुण और दोष, और शब्द आया है विग्रह करने पर, और पहला शब्द दूसरे शब्द का उल्टा है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब सबसे आखिरी समास नंबर 6, बहु ब्रीही समास। बहुब्रीही समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात जब दोनों पद को मिला विच्छेद करने पर उसका अर्थ निकाला जाता है तो तीसरा अर्थ निकलता है, उसे उसमें बहुब्रीही समास होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें, तीसरे पद की ओर संकेत करें, तो वहां पर बहुब्रीही समास होता है। अब उदाहरण से समझ लेते हैं, उदाहरण से इसे समझते हैं। दशा नन, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो 10 है जिसके सर। अब यहां पर आप सोचेंगे कि संख्या आई है तो ये संख्या के हिसाब से यहां पर देखेंगे, पर नहीं, यहां पर इसका अर्थ अगर कोई तीसरा निकल रहा है इसीलिए बहुब्रीही समास है। कभी कभी ये दोनों के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 10 है जिसके सिर, 10 सिर किसके हैं? रावण। तो यहाँ आपने देखा कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, वहां पर बहुब्रीही समास है। एक और लेते हैं, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर अर्थात पेट। अब आप देखेंगे लंबा है जिसका पेट, जब भी हम लंबे पेट की बात करते हैं तो किसकी ओर इशारा होता है? भगवान श्री गणेश की तरफ, अर्थात गजानन। तो यहाँ आपने देखा कि दोनों शब्दों ने मिलकर जब विच्छेद किया तो किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा किया, वहां पर बहुब्रीही समास होता है। इस तरह से हमने जाना कि 6 समास को किस तरह से पहचाना जाता है, समास के और उसके प्रकार भी आपने जाने, और उनके प्रकारों को किस तरह से पहचाना जाता है वो भी आपने जाना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, और लाइक जरूर करें। थैंक यू।